हर मौसम में कुछ न कुछ फल और सब्जियां मिलते हैं, जिनके अंदर परमात्मा ने पूरे तरीके से संपूर्णता भरी है, माने पूरे पोषक तत्व उनमें विद्यमान होते हैं। उनको अगर हम सही ढंग से नियमानुसार भूख लगने पर परिमित मात्रा में और बिल्कुल उचित प्रकार से उचित समय पर अगर हम उनको लेते हैं, तो हमें जो मौलिक तत्व चाहिए उनसे वो हमें प्राप्त हो जाते हैं और शरीर में जो भी विकार होते हैं एलिमिनेशन चैनल के द्वारा उनको निकालने में वो पदार्थ हमारी मदद करते हैं। तो इसलिए उनके बारे में आज के समय में जानना बहुत जरूरी है कि कौन कौन सी चीजों को हम कैसे मिलाएं और बीमारी की अवस्था में कैसे लें और जब स्वस्थ हैं तो कैसे लें। और इन सब बातों की ही जानकारी के लिए आज हमारा 21वां ये सेशन है, जिसमें हम अभी भी संकुप्त खाद्य पदार्थों को लेकर ही चलेंगे, क्योंकि क्या होता है कि जो अपनी पुरानी आदतें होती है ना, उनको छोड़ना मानव के लिए बदलना बड़ा मुश्किल होता है। कितनी भी अच्छे तरीके से बताएं, फिर भी उनको जो आदत होती है पक्को आहार लेने की, कुक्ड आहार लेने की, उसकी मात्रा कुछ घटाई तो जा सकती है शनि शनि धीरे धीरे करके, लेकिन पूरी तरीके से हम खत्म करने की बात भी नहीं कहते हैं। कैसे फोन बंद तो किया था, तो उनको किस तरीके से हम लेंगे ये आज हम इस सेशन में समझेंगे, जिनमें कि हमें कच्चे सलाद के बारे में, कुछ स्प्राउट्स हो गए, कुछ नट्स हो गए, इन सबको कब मिलाना है, कैसे मिलाना है, किस समय पर लेना है, कौन सी बीमारी में हमें लेना होगा, ये सब बातें समझनी होंगी। तो केले डंडे के बारे में आज हम थोड़ा सा बताकर फिर हम सैलड वगैरह के ऊपर आते हैं। आमतौर से तो हम सब सैलड लेते ही लेते हैं, लेकिन उनमें क्या क्या चीज मिलाया जा सकता है, ये सब बातों का खुलासा हम करना चाहते हैं। ऐसा होता है कि इसके लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए। पक को आहार से अपक को आहार, माने संकुक्ड वैल्यूड आहार लेने के लिए एक तो हमारा बहुत ही पक्का विश्वास चाहिए, निश्चय चाहिए। जब तक इतना मनोबल नहीं होगा तब तक हम ट्रांसफर अपने को कर ही नहीं सकते हैं, ये बात है। क्योंकि जैसे ही हम थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी कि जैसे ही हम कच्चे आहार पर आते हैं, जिसमें कि सैलेड, फल, जैसे स्प्राउट्स वगैरह सारी चीज आती हैं, तो हमारी अंदर की जो जरूरतें हैं, मौलिक आवश्यकताएं हैं, वो पूरी होने लग जाती हैं और हम सेटिस्फाइड भी होने लग जाते हैं। लेकिन अगर कोई दिन भर में कई बार अपक को आहार ही लेता हो, है ना, फिर उसको अगर वो हर समय कुछ कुछ भूखा भूखा सा ही रहता है। कैसे? क्योंकि कुछ और चीज की उत्तेजना आई, यानी कोई और चीज की खुशबू आई या कुछ आई, तो फिर से उसकी भूख जाग जाती है। क्यों? शरीर की जो आवश्यकता है, जो तत्व चाहिए, वो पूरी तरीके से तो पूरे होते नहीं, क्योंकि आग में डाल देने के बाद तो कुछ चीजें हट ही जाती है। तो वो इसलिए हर समय भूखा भूखा सा रहता है, वो कहता मैं भूखा हूं, मैं भूखा हूं, भूखा ही रहता है। लेकिन समझने की बात तो यही है, बीमारी का जड़ कारण तो यही है कि वो तो भूख है नहीं, वो तो केवल उत्तेजना है। अब वो उत्तेजना किस लिए है? वो इसलिए है ना, क्योंकि शरीर के अंदर जो एकत्रित विष है, उसको हम विष ही कहते हैं, वो एक नए विष की डिमांड करता रहता है। उत्तेजना का मतलब ये है कि कोई चीज देखी, वाह, हमें एकदम से भूख जाग जाती है, या खाने का जो मन जाग जाता है, क्रेविंग जिसे कहते हैं, ये कोई भूख नहीं है। भूख तो एक बार कुछ खाया, जो अगर संतुलित आहार हमने लिया है, तो फिर कोई अच्छी चीज भी आए, कुछ भी आए, फिर वो संतुष्ट एकदम लगता है, सेटिस्फाइड है हम। लेकिन अगर आपको बीच बीच में कोई चीज देखकर ऐसी भावना आ रही है, तो शर्तियां आपकी वो भूख नहीं है, वो केवल उत्तेजना है, और वो उसी चीज को मांगती है, क्योंकि जो अंदर पड़ा हुआ है ना, वो अपनी ही तरीके के परिवार की याचना करता है, चाहता है वही मुझे मिले। तो उसको कहा ही जाता है कि एक बहुत बड़ा वो शैतान है, तो वहां पर अपने मनोबल के द्वारा हम काबू पा सकते हैं। तो बीच में हमने ये बोला था कि केले डंडे का जो रस है वो बहुत ही बढ़िया है। आमतौर से वो मार्केट में नहीं दिखता है, वो खास चीज है, लोगों को अभी पता नहीं है, लेकिन वो सभी प्रकार की दवाइयों का उसके अंदर औषधि है। जैसे कि हमारे बड़ी आंतों के रोग हैं, हमारे क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर, किडनी में पथरी वगैरह, नाम तो लेने की फिर भी जरूरत नहीं है, अगर जो ठीक है वो भी उसको ले सकता है। तो उनको भी हम कैसे लें, कौन से मौसम में लें, तो उसमें मौसम की बात नहीं आती है। जब कभी आपको मिल जाता है, आप थोड़ा सा 2.5 इंच का ले लें, 50 ग्राम उसका रस निकालना है। मेरे पास केला डंडा आज नहीं है, नहीं तो मैं आपको बताती भी, पर ऐसे कद्दूकस उसको ऐसे करना है, वो नीचे नीचे उसका रस गिर जाता है और ऊपर ऊपर उसका जो रफेज है रह जाएगा। और उसको फिर कैसे लेना है, कौन से समय में लेना है, सुबह के टाइम में रस आहार तो लेना है, तभी वो बॉडी उसको एब्जॉर्ब करेगी, क्लिंजिंग में उसकी मदद मिलेगी। हाँ, सुबह के टाइम में उसको ले लें, घूट घूट करके ले लें, और 2.5 इंच
चार इंच पांच इंच लंबा उसको घिस के, मतलब हमें रस निकालना है 25 से 50 ग्राम रस, और फिर उसको हम मिलान किस में करें, पेठे के पानी में मिला सकते हैं, किसी सब्जी के रस में मिला सकते हैं, और नहीं तो नारियल पानी में मिला सकते हैं। मिलाने की बात तो मैंने पिछली बार बोल ही दी थी। तो इनको लेने से हमारे शरीर के जो मूत्राशय वाले जो पार्ट हैं, नीचे के जो पार्ट क्लिंजिंग वाले हैं, उनमें बहुत मदद मिलती है। तो जो लोग ठीक हैं उनकी भी कुछ ना कुछ अंदरूनी सफाई तो बिगड़ती है, तो अगर इनका हम अगर सेवन करेंगे तो आगे की में भी स्वस्थ रहेंगे। तो मेन यही बात है कि अगर हम अपक्व आहार लेते हैं, माने कच्ची साग सब्जियों को लेते हैं, तो उससे एक तो हमारी संपूर्ति होती है, दूसरे सफाई बनती है। मान लो अगर किसी वजह से साल 6 महीने में इतना लेने के बावजूद भी कोई परेशानी आएगी, तो केवल एक्यूट आएगी। केवल उसके अंदर क्या होगा, सर्दी जुकाम बुखार फोड़े फुंसी, यही उसमें तो 2 दिन की छुट्टी लेके सारा काम बनेगा। तो अभी हम फिर अमित जी को आमंत्रित करना चाहेंगे, क्योंकि अब हम अपने प्रैक्टिकल सेशन की ओर बढ़ना चाहते हैं कि कई बातें इसमें बतानी है। तो किस तरीके से हम कच्चे सेशन में, कच्चे आहार के सेशन में, जो हमने रसाहार तो लगभग ले लिया है, और भी कई तरीके से आप भी अपनी सूझबूझ से मिलान कर सकते हैं। कई लोगों को आता है, वो भी अपना अपना कुछ डाल सकते हैं या बता सकते हैं, आगे तो काम बनेगा। तो अमित जी आप भी आए, हम कच्ची सब्जियों के सैलेड के बारे में कुछ बताना चाहें कि कब लेना है, कैसे लेना है और क्या क्या मिलाना है। आमतौर से तो सभी लोग कच्चे सैलेड कुछ ना कुछ लेते ही हैं। हर मौसम में परमात्मा ने संपूर्णता से भरे हुए हमें ऐसे खाद्य पदार्थ दिए हैं जो पूर्णतया संपूर्ण है। तभी मैंने आज ये सोच कर लिखा भी था कि गॉड मेड द फूड एंड डेविल मेड द कुक, ये लिखा था ना, तो ये बात बिल्कुल सही बैठती है कि गॉड ने तो हमें पूरा संपूर्णता हर मौसम में साग सब्जियां में दी हुई है। अब इन्हें ही हमें क्यों लेना है, कच्चे रूप में ही हमें क्यों लेना है, क्योंकि एक जीवित शरीर में जीवित चीज ही जाकर उसको जीवित, उसकी जीवंतता को बढ़ाती है। सबसे पहली बात तो ये है, मरी हुई चीज अगर हम देंगे तो वो तो केवल टैक्स ऑन वाइटैलिटी है, क्योंकि वाइटल पावर को उसके पर वर्क करना है, तो वर्क किसके पर, मरे हुए को, पत्थर को तोड़ने का क्या फायदा है। तो इसलिए हम सबको, जो हम स्वास्थ्याभिलाषी हैं, हमको यही कोशिश करनी है कि जो मौसम में साग सब्जियां मिलती हैं, कुछ रस के रूप में, कुछ सैलेड के रूप में, कुछ पकाकर, कैसे भी करके दिन भर की अपनी दिनचर्या को अपने हिसाब से हमको व्यवस्थित करना ही पड़ेगा। तो कच्चे साग सब्जियों में आज के मौसम में अभी क्या क्या चीजें उपलब्ध हैं वो हमें जानना है, और उसको कब लेना है, कैसे लेना है। तो अमित जी कुछ चीजों का इंतजाम करके आए हैं और वो बताएंगे कि क्या क्या चीजें हम कैसे सैलेड को प्रिपेयर करें, ये अमित जी बताएंगे। फिर उसमें हम ये बताएंगे कि और हम क्या मिला सकते हैं, और उसको कौन नहीं ले सकता है और किसे लेना है। क्योंकि जब एक्यूट प्रॉब्लम आएगी, बुखार आए है कस के विग्रसली, जिसमें आती है, जिसमें बाहर की बिल्कुल ताकत ही नहीं रहती है ना, उस समय में कच्चे सैलेड नहीं लेना है। सब्जियों का सूप माने रस उसका सिर्फ लेना है, उस समय तो पका कर, क्योंकि ना के बराबर लेना होता है। इसके पीछे भी राज है, उस समय हमें कोई भी पकी चीजों में बहुत तत्व होते हैं, और हमें रहना है भूखे भूखे उस समय, अंदर की सफाई बनाने के लिए। तो एकदम भूखे रख दे फास्टिंग पे तो मन नहीं मानेगा, इसलिए कुछ कच्चे सलाद, कुछ हम रसाहार या नारियल पानी पे उस समय रखते हैं। लेकिन जो क्रोनिक प्रॉब्लम में है उनको कच्चे सैलेड का एक अपना आहार बनाना है, कच्चे और पक्की चीजों को नहीं मिलाना है। वैसे आम तौर से जो एक आदर्श मिलान है उसमें नहीं मिलाना है, सैलेड को अलग खाना है और रोटी या चावल जैसी चीज को अलग खाना है। फिर भी हम ये बोलते हैं कि आप सैलेड के साथ भी, हमने थोड़ा हल्का किया है कि सैलेड के साथ भी आप भोजन अपना ले सकते हैं। तो वहां पर ये बात आती है जो क्रोनिक प्रॉब्लम में है, डिस्ट्रक्टिव को भी सैलेड नहीं, उनका जूस या सूप ही लेना है। बीच में जो क्रोनिक वाले, जो लंबे काल तक जिनको चलकर यू टर्न लेना है, उनको ही सैलेड लेना है, उनको भी अलग लेना है। लेकिन ये नॉर्मल, जिनकी अभी हेल्थ है नॉर्मल, तो आज किसी की भी नहीं होती, फिर भी जो अपने को नॉर्मल मानते हैं, वो अपने खाना खाने के पहले सैलेड से एक प्लेट सैलेड से पेट भरे, आधा पेट सैलेड से भर के फिर अपनी जो प्रिंसिपल मील है उसको ले सकते हैं, माने यहाँ पर साथ में भी ले सकते हैं। तो ये अंतर को समझना है। बाकी अमित जी अभी बताते हैं क्या क्या करना चाह रहे हैं, इन्होंने किस तरीके से आपके लिए क्या तैयार किया है। नमस्कार सभी को, एंड थैंक यू सो मच शशि जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आज हमारे पास सैलेड के लिए मैंने क्या मेरी ये दिख रही है ट्रे सबको मेरी ट्रे? हाँ हाँ हेलो, अमित जी, एम आई ऑडिबल? हाँ अमित जी, आपकी आवाज भी आ रही है और ट्रे भी दिख रही है। हाँ
ये हमारे पास इस पानी वाला नारियल है, ठीक है, इसके अंदर इस तरह का फ्लेश निकलता है, और ये मैंने खीरा लिया है, उसको ग्रेट कर लिया है इस ग्रेटर से, इस तरह के ग्रेटर, हैंड ग्रेटर से ग्रेट कर लेना है देसी खीरा। और ये नारियल का कद्दूकस किया हुआ है, बारीक कद्दूकस करना है बिल्कुल फाइन वाले सुराख से। और ये देसी टमाटर है, इसको मैंने इस तरह से थोड़ा फाइन चॉप कर लिया है। और ये कुछ करी लीव्स और या धनिया के पत्ता या फिर आप पुदीने के पत्ते, जो भी सीजनल अवेलेबल हो, ग्रीन लीफ माइल्ड वाले, उसको आप रख लीजिए उसमें। ये येलो पम्पकिन मैंने थोड़ा ऐड किया है इस बार, इसके जगह आप वाइट पम्पकिन, वाइट वाला जो एसगोड होता है, घिया, इस तरह की आपको जो भी सब्जी आप कच्चा खा सकते हैं उसको आप ऐड कर सकते हैं। मैंने कैप्सिकम की जगह अभी ये रखा, क्योंकि सीजनल अभी ये सब चीज़ें अवेलेबल थी मार्केट में। तो सबसे पहले मैं इस खीरे को इस बाउल में मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ थोड़ा सा, एक कुछ इस तरह से खीरे को बाउल में ट्रांसफ़र करना है। और फिर इसमें मैंने येलो पम्पकिन को मिला लेता हूँ, कुछ टमाटर, वेरी सिंपल, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और इसमें मैंने ये लीव्स, जो ग्रीन लीव्स मैंने ले रखे हैं, उसको मैंने मिक्स किया है। ये ग्रीन लीव्स किस चीज के हैं? ये करी लीव्स है, और इसमें हम मिंट का भी पत्ता मिला सकते हैं, धनिया के पत्ते भी मिला सकते हैं, और इन सबको इस तरह से मिक्स कर लेना है। और इन सबको, सबसे बड़ी बात है कि इन सबको वॉश करने के बाद ही कट करेंगे, और इसका बहुत ही माइल्ड छिलका निकालेंगे, जो खाने लायक होगा उसका छिलका नहीं निकालेंगे। और सबसे एंड में मैंने ये ग्रेटेड कोकोनट को ऊपर से गार्निशिंग कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा 2-3 चम्मच लेंगे, क्योंकि सबसे मेन इंग्रेडिएंट यही है, इसी से सलाद टेस्टफुल होगा। तो ये, क्योंकि इसमें हम सॉल्ट और नमक लेमन यूज़ नहीं करते हैं, तो इससे आपको एक फुल एक फीलिंग आएगी, भूख भी नहीं लगेगी 2 घंटे, और एक थोड़ा सा प्रोटीन का और ये थोड़ा मॉइस्चर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। इन सबको मिक्स कर लेना है। मैंने नारियल लास्ट में डाला है ताकि इस लुक ब्यूटीफुल और यमी, क्योंकि ये ऊपर से होता है तो थोड़ा अच्छा दिखता है। अब यहाँ तक तो एक हेल्दी पर्सन के लिए है, जो मतलब थोड़ा अभी क्रॉनिक में चल रहा है, लेकिन जो थोड़े स्वस्थ हो चुके हैं, तो 2 टीस्पून, ज़्यादा नहीं, इस तरह स्प्राउट किया हुआ आप मूंग या मोठ की दाल मिला सकते हैं, जो माइल्ड होता है, जल्दी स्प्राउट हो जाता है। बाकी सारे दाल थोड़े से हैवी होते हैं, तो बस 2 चम्मच आप ऊपर से ऐसे मिला लीजिए। ये हमारा सैलेड रेडी हो गया है, इसको देख सकते हैं। ये सैलेड रेडी हो गया है। हाँ, एक और मेरे पास सैलेड है फ्रूट वाला, तो अगर वो आप अलाउ करेंगे तो मैं बताऊंगा। अभी थोड़ा हम इसके बारे में कुछ बता लें। हाँ। अब ये सैलेड रेडी हो गया है, ये सबने देख लिया है कि सैलेड रेडी हो गया है, तो इसको कब खाना है? अब ये इतना सैलेड आपने कितने लोगों के लिए बनाया है, एक के लिए या ये सिर्फ 1 बाउल है, लगभग 1 पर्सन के लिए, क्योंकि इसी से पेट भरना है, ये इसलिए आपका पेट भर जाए इतना होना चाहिए सफिशिएंट 1 टाइम में। ये वन टाइम के लिए है। Yes. जिसको आदत ही है पक्का खाने की, जब वो कच्चा खाने की ओर बढ़ता है तो उसको पहले सोच के ही लगने लगता है। तो जब स्टार्टिंग करें तो थोड़े से करें और काफी अच्छा बनाकर उसको स्टार्ट करना, क्योंकि हमें बच्चों, बूढ़ों और बीमार, जो नहीं बीमार है, सबको ये वाली विद्या बतानी है, ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हमने सैलेड की तैयारी की बहुत अच्छे से, अमित जी ने सैलेड को बनाया है, लेकिन अभी इसमें हम कुछ चीजें और आपको ऐड करने की बात बताते हैं कि इसी सैलेड को आप फूड कैसे बना सकते हैं, फूड, कंप्लीट फूड। जैसे अभी इन्होंने हमें स्प्राउट मिला के बताया, ये मिलान बताया कि सैलेड में आप क्या क्या मिला सकते हो। तो हर मौसम में बहुत सारी चीजें होती हैं, पर सब चीजों को मिलाकर इतना सारा सैलेड तो नहीं तैयार कर सकते हैं, क्योंकि वही खाते रहेंगे तो कुछ हमारा मन भी तो, खुशी भी तो मन की होनी चाहिए ना। कच्ची चीज थोड़ी मात्रा में ही खाई जा सकती है, बहुत ज्यादा नहीं, और पकी हुई चीज हम ज्यादा मात्रा में खाते हैं और कम पचाते हैं, ये बात तो होती होती है। तो आज के मौसम में अभी केवल खीरा है, तो खीरा ठीक आ रहा है, बढ़िया खीरा आ रहा है, मैंने भी थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ है। तो कई बार आप खीरे को वॉश करेंगे, देखिए खीरा है ना बिल्कुल मुलायम है, इसको वॉश करके रखा है, उसको आप ऐसे तोड़ दें, अभी बिल्कुल मुलायम है, अभी इसको आधा जब तोड़ दिया
फिर आप इसको, अब आधा एक आदमी के लिए बहुत है, आधा एक आदमी के लिए इसको आपने कद्दूकस कर लिया, ठीक है, जैसा कि अमित जी ने अभी किया, अब ये कर लिया, अब उसके अंदर कितना आपको धनिया पुदीना वगैरह मिलाना है ये भी जानना, सिर्फ एक व्यक्ति के लिए भी हम आपको बताएंगे, इन्होंने तो बना के बताया है, ये पुदीने की पूरी इतनी बड़ी है, एक आपको झाड़ी दिख रही है, इसमें से पत्तियों को नोच कर एक आदमी के लिए आपको इसी सैलेड में फिल्म डालना है, क्योंकि सैलेड में कुछ हमें फ्लैशी चीज भी डालनी है, कुछ लीफी चीज भी डालनी है, कुछ और चीजें भी इसमें मिलाना है, क्योंकि हमें इसको डेकोरेटेड बहुत सुंदर और स्वादिष्ट बनाना है, कि देखकर जैसे पके मिठाई को देखकर लालच आती है ना, सैलेड देख के भी आए, तो ये इतना आप मिला सकते हैं एक बड़े व्यक्ति के लिए, इतना आप, इसकी पत्तियां तो थोड़ी सी निकलेंगी, ये निकाल के आपने उसी जो भी खीरा हमने दिखाया उसमें आपने ये मिलाया, अब इससे भी थोड़ा सा ज्यादा आप धनिया डाल सकते हैं, मैंने तीन धनिया की कड़ी इसमें ली है, तीन लिया है इस तरीके से, इनकी आप पत्तियों को यहां से भी आप काट के पूरा अच्छी तरह क्रश करके धो के साफ करके इसको आप डाल सकते हैं, इतना ये मिलान हो गया। अब देखो इसकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, अब आप मौसम जब आएगा, मूली वगैरह का मौसम जब आता है तो लोगों को सैलेड का अंदाज, जाड़े में बहुत सारी सैलेड होते हैं, लेकिन कुदरत ने हमें संपूर्ण सैलेड दिया हुआ है, उस समय हमें ये मूली दी हुई है, अब आप देख रहे हैं मूली, कल मैं मूली लेने गई तो उसने मेरे को ये मूली दी, ये पत्ते ऐसे करके हटा दिए, इनको ऐसे करके हटाया, मुझे ऐसे मूली पकड़ाई, मैंने कहा नहीं मुझे तो पूरा ऐसे जुड़ा हुआ वाला चाहिए, क्योंकि हम तो पत्ते के साथ ही खाएंगे, तो शलगम हो गया, ये हो गया, चुकंदर हो गया, और भी इस तरह की कई चीजें होंगी, गाजर तो नहीं मिलता है पत्ते वाला, तो उनको आप पत्तों को जरूर इस्तेमाल करें। जब आप मूली थोड़ा सा, एक आदमी के लिए आपको कितनी मूली डालनी, इतने से ज्यादा नहीं डालनी है, अभी तो मौसम शुरू हो रहा है, जब मौसम आएगा तो आप इतना भी डाल सकते हैं, लेकिन इसका आधा, मैंने तोड़ा है थोड़ा कम टूटा है, लेकिन आप आधा ऐसे आप इसका मेजरमेंट कर सकते हैं, और इनकी ये इतनी पत्तियां हैं, अब आपने अगर इन दोनों को मिला दिया तो बहुत हो गया, पत्तियों के साथ तो डकार नहीं आएगी, वो वाली जो मूली के डकार आती है ना वो नहीं आएगी, और सुपाच्य बन जाएगा, अब आप कितनी चीजों को मिला सकते हो, कितना रिलिश करके खा सकते हो, और अब नारियल मिलाना है, नारियल की भी एक क्वांटिटी होनी चाहिए, हाथ और चम्मच से तो हम दिखाई सकते हैं, लेकिन एक नारियल का इतना टुकड़ा, एक चौथाई नारियल इतना टुकड़ा हमको डालना, जो मैं आपको भी दिखा रही हूँ, इतना टुकड़ा अगर आपने ऊपर से डाल दिया तो इस नारियल को नमक बिल्कुल पसंद ही नहीं है, इसको मीठा तो पसंद है लेकिन नमक बिल्कुल नहीं पसंद है, हालांकि हम इसको चटनी के लिए बनाते हैं, आप देखो अगर आपसे ज्यादा नमक पड़ जाए तो इनका स्वाद खत्म हो जाता है, अगर आपसे आप मिठाई बनाते हो मीठा ज्यादा पड़ जाए तो इनका स्वाद नहीं खत्म होगा, क्योंकि इनका कॉम्बिनेशन मिठास के साथ है, ये मीठी चीजों में आता है, अब ऊपर से जब हमने इसको कर दिया, नारियल कद्दू कसकर डाल दिया, तो ना नमक की जरूरत है, ना नींबू की जरूरत है, ना काली मिर्च की जरूरत है, किसी चीज की भी जरूरत नहीं है, जब इन चीजों की जरूरत नहीं है और इतने सारे, और मन इतना खुश होगा, अगर आपको इसकी नॉलेज है तभी मन खुश होगा, खाली बीमारी को दूर करने के लिए खा रहे हो, मन नहीं खुश होगा, और जब मन नहीं खुश होगा तो पचेगा नहीं ठीक से, उसके पर एंजाइम्स ठीक से नहीं गिरेंगे, क्योंकि इनमें तो एंजाइम्स है, और हमारे अंदर के भी एंजाइम्स को ये प्रवोक करते हैं, तो एंजाइम्स आकर एंजाइम्स में गिरते हैं, तो डाइजेशन बिल्कुल ठीक से होने लग जाता है ना, तो बिल्कुल इसको क्वांटिटी को भी समझना है। अब ये सारी चीजें हो गई, और भी हमने एक कड़ी पत्ता भी थोड़ा सा लेके रखा है, ज्यादा नहीं, जब इतनी चीज डाल दी तो आप थोड़े से कड़ी पत्ते, बिल्कुल सॉफ्ट वाले हैं, इनको आप डाल सकते हो, इतनी सारी चीजें, अरे अब हमने तो आपको दिखा दी, अब आपके पास नहीं है इतनी सारी चीजें तो एक चीज डाल लो, दो चीज डाल लो, ये तो ऑप्शन है, कोई जरूरी नहीं कि आपको सारी चीजों को इकट्ठा करके ही रखना है, कहीं भी हमको दिमाग को नहीं फंसाना है, अरे ये नहीं है, ये नहीं, नहीं नहीं का यहाँ कोई डिक्शनरी में नाम ही नहीं है, जो है वही बढ़िया है, उसी में हमको अपने को संतुष्ट करना है। सैलेड को कितने अच्छे से डेकोरेट किया है अमित जी ने, बस इसके ऊपर जब हमने ऐसे डाला, और टमाटर कितना डालना, जब इतनी सारी चीजें आप हाफ टमाटर डालोगे, ये टमाटर रखा इसमें से सिर्फ हाफ क्वांटिटी आप लेके डालो, हो गया एक प्लेट सैलेड तो तैयार, कितनी रोटी खाओगे इसके बाद बताओ, अगर आप स्वस्थ भी हो, एक प्लेट आपने सैलेड खा लिया तो बस एक रोटी सफिशियंट, जो स्वामी जी बोला करते थे एक रोटी, जब मैंने खा के देखा तो समझ में आया आप तो एक रोटी ज्यादा खा ही नहीं सकते, चूंकि इसलिए हमको वो एक रोटी और सब्जी खाना है, उबली हुई कुक्ड फूड, क्योंकि हमेशा से हमारे टिश्यूज ने, हमारे अंदर के अंगों ने वैसे भोजन को खाने की अपनी आदत डाली हुई है, क्योंकि खाली कच्चा खा लेना तो पेट तो भर जाएगा, रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर भी ये लगेगा कुछ खाया ही नहीं, तो ऐसा ना हो, धीरे धीरे गो स्लोली के जाकर हम अपने अपक्व आहार को बढ़ाएंगे, सन कुक्ड वैल्यूज वाले खाने को बढ़ाएंगे, और जो रसोई में बनाई जाती मानव की रसोई को घटाएंगे, और तीसरी रसोई को तो बाइकाट कर देंगे बिल्कुल ही, इन दो के बीच में हमें तो रहना पड़ेगा, पर मिनिमाइज इधर कर देंगे और मैक्सिमाइज इधर कर देंगे,
तो हमारा बहुत अच्छा काम बनेगा, जो बच्चों को भी देना। जब आप इतना अच्छा डेकोरेट करके सैलेड रखेंगे, बात आती है बच्चों की, अगर आपको ये सैलेड बच्चों को देना है तो इसके अंदर आपको अनारदाने भी मिलाने पड़ेंगे। कुछ मिठास के लिए आप भींगे हुए किशमिश वगैरह या खजूर को काट के डालें, क्योंकि तो बच्चों का टेस्ट तो मीठा होता है। और रही कॉम्बिनेशन में, या हम इसमें कैसे ड्राई फ्रूट मिलाएं या ये मिलाएं, ऐसी कोई बात नहीं, बच्चे तो खेलते कूदते रहते हैं। जो बीमार हैं, सारी जो है प्रोहिबिटेड उनके लिए है बहुत सी चीजें, और क्राइटेरिया उनके लिए ज्यादा बनी हुई है। जो नॉर्मल है उनके अंदर तो इतना होता है बॉडी के अंदर कि वो अपना नेचुरल चीजों को अगर मिलान कुछ ऐसा भी है तो रेसिस्ट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो एक तो हो गया ये हमारा सैलेड, है ना, सैलेड बनाया। अभी अमित जी हमको शायद फ्रूट के बारे में बताना चाहते हैं, पर एक सैलेड हम पहले बता लेते हैं, फिर आप फ्रूट के बारे में बताएं। अब हमने यहाँ पर एक टमाटर आपको दिखाया है, क्योंकि ये हमारे कोई मेहमान वगैरह आते हैं या कभी कभी हम बोर हो जाते हैं ऐसे ही सैलेड को, सैलेड के लिए ही हमें सारी बुद्धि लगानी है। आज सैलेड में क्या मिलाएं, कल सैलेड में क्या मिलाएं, जो हमारे दायरे में है उनमें से लेकर सुंदर सा सैलेड बनाना है। और आप ही ना खाएं, आप दूसरों को भी सर्व करें, अच्छी बाउल में डालकर दूसरों को भी सर्व करना सीखें। और अगर आप कहीं बाहर भी गए हैं तो अच्छा सैलेड बनाकर, मैंने तो ट्रेन में जब मैं जाती हूँ तो भी, अगर हमारा एक भाई है वो सैलेड बना के सबको ऐसे देते हैं, हालांकि वो मिर्च मसाले थोड़े मिला देते हैं क्योंकि उनको इतना नहीं पता है, लेकिन जो हमें बनाना। अब ये टमाटो आप देख रहे हैं, गोल हमने लिया हुआ है, ये दो तीन ऐसे छोटे छोटे आप गोल, ये थोड़े बड़े हैं लेकिन आप इससे छोटे भी नहीं, इतना बड़ा भी आप ले सकते हो, परफेक्ट साइज है। अब इसको आपने नोकदार, आपने नाइफ ऐसा वाला लिया, इससे इसके बीच की सारी चीजों को ऐसे घुसा के निकालना है, इसको थोड़ा सा खोखला करना है। इस टमाटर को हम थोड़ा सा खोखला करेंगे फिलिंग करने के लिए, ये सैलेड की एक प्रिपरेशन है और फिलिंग है, ये स्वामी जी हम लोग को बताया करते थे। अब इसके अंदर हमें क्या फिलिंग करनी है, इसके अंदर हमें फिलिंग करनी है बहुत बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च हो गया, पत्ता गोभी हो गया, जो अभी सारी चीजें बताई हैं, इनमें से भी कुछ 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 चीजों को बारीक काट के उसमें नारियल मिला के और इसके अंदर आप भर दें। अगर वो सब्जियां आपके पास नहीं है तो केवल नारियल, धनिया की पत्ती, कड़ी पत्ते की पत्ती, बस इतनी चीज को भी अगर ये भर देंगे ना, तो स्टफ सैलेड जो है टमाटो का स्टफ सैलेड बहुत बढ़िया तैयार होगा। अब आपको प्लेट में रखना है, या तो आप ऐसे ही रख सकते हैं भरा हुआ टमाटर, अच्छा लगेगा। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप चीरे लगा सकते हैं, पूरा नहीं खोलना है, जब आपने भर दिया या तो इसको थोड़ा थोड़ा सा आप ऐसे चीरे लगा सकते हैं, फोर काइंड ऑफ चीरा इसमें लगा सकते हैं। और अगर बच्चों को देना है फिर तो आपको अलग करके ही देना पड़ेगा, तो ऐसे खुला हुआ फूल जैसा से खिला हुआ फूल होता है ना, वैसा ही खुल जाएगा और इसके अंदर स्टफिंग गिरेगी नहीं, स्टफिंग भी बहुत अच्छी इसमें लगेगी। तो ये आप लोगों को सर्व कर सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं, बच्चों को भी खिला सकते हैं, और इवन ऐसे बंद टमाटर के सैलेड को हम बच्चों के टिफिन में भी डालकर दे सकते हैं। उसके अंदर केवल हम डालेंगे नारियल और धनिया की पत्ती, ऐसी चीज को डालेंगे, पानी वाली ज्यादा सब्जियां नहीं डालेंगे, और बच्चों को छोटे टमाटर में फिल करके हम ये उनका हटाकर दे सकते हैं, वो खाएंगे, वो भी हेल्दी बनेंगे, उनको अगर ऐसा स्वाद लग जाएगा तो फिर वो कच्ची चीज ही आपसे मांगेंगे। बच्चों में तो बहुत जल्दी ये भाव भावना आ जाती है। तो एक तो ये हमारा सैलेड हो गया है, बाकी आप अमित जी कुछ और मिलान बताना चाहेंगे कि सैलेड में हमें क्या क्या मिलाना जो हमारा फूड बन जाए। कुछ लोग हमारे भाई बंधु ऐसे है ना जो खाना कुक ये अगर फूड बन जाए, इसके लिए मेरा एक अनुभव रहा है, स्वामी जी भी बताया करते हैं, अगर सोक किया हुआ पोहा जिसको वो चिवड़ा बोलते हैं, तो उसको अगर वॉश कर लिया जाए प्लेन वाटर से, बस उसका पानी निकल जाए, एक वॉश करना है उसको, ज्यादा सोक नहीं करना है, और उसको दो चम्मच मिला देंगे तो आपको अंदर एक जो भूख होती है ना, एक थोड़ा सा ग्रेन खाने की, वो दो चम्मच जाएगा तो काफी आपको फीलिंग मिलेगी, ऐसा लगेगा कि सेटिस्फाई हो जाओगे। तो ये तो सेटिस्फाई हो गया, कंप्लीट फूड, और नेक्स्ट यू मीन कंप्लीट फूड हो जाएगा वो। और सम टाइम रोस्टेड सूजी, थोड़ा सूजी का भी उपमा करके एक दो चम्मच ऊपर से मिला लेते थे। अभी मैं नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ ग्रीन एप्पल का सैलेड। ये ग्रीन एप्पल है, अभी सीजन में आ रहा है, गोल्डन एप्पल जिसको बोलते हैं, तो इसको इस तरह से कट कर लिया है, इसका छिलका बहुत थिन होता है स्किन, तो इसको मैंने ज़्यादा कट नहीं कर रही, पीलिंग नहीं कर रहा हूँ उसको, इसको मैंने एक बोल में निकाल लिया, एक एप्पल का बता रहा हूँ ये फिलहाल, और इसको मैंने ये ग्रेटेड कोकोनट डाल दिया है और कुछ डेट्स डाल दिए, और ये मैंने पम्पकिन सीड रखा है, ये सोक किया हुआ है, इसको मैंने ऊपर से छिड़क दिया। ये थोड़ा सा एक रिच है और बच्चों के लिए, हेल्दी लोगों के लिए, सबके लिए अच्छी दे रहा है।
हाँ, इसकी थोड़ी सी गार्निशिंग हो जाती है, तो ये थोड़ा इस लुक ब्यूटीफुल। तो ये हम ले सकते हैं, इसके अंदर कुछ ज़्यादा नट्स मिलाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारा एक दो माइल्ड नट जैसे आमंड हो गया, किशमिश हो गया, डेट्स हो गया, ये सब मिलाना है, ज़्यादा कुछ इसमें ऐड नहीं करना। नहीं सर, सोख गए एक पानी में भींगा हुआ यस नट चाहिए। ओवरनाइट सोक्ड है, और इसको पानी में उतना ही सोक करना है जितना उसमें पानी डिप हो जाए, बहुत ज़्यादा पानी फेंकने की जरूरत ना पड़े। और एप्पल आप एक या दो भी ले सकते हो, और टेस्ट के लिए आप नारियल थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में 2-4 चम्मच भी लाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और इस तरह के आप एप्पल के साथ कभी फ्रूट्स नहीं कंबाइन करना, ये ध्यान रहे। बहुत से लोग फ्रूट के साथ ये ऐड कर लेते हैं, तो ये सब नहीं करना। हनी वगैरह नहीं ऐड करना, चाट मसाला वगैरह नहीं। तो ये हमारा फ्रूट सैलेड हो गया, तो समटाइम कभी चेंज कर सकते हैं, कभी ये लिया कभी सैलेड का ले लिया। थैंक यू। तो इसको भूख लगने पर खाना है, मतलब ये फूड की तरीके से है। जी और कुछ है अमित जी आपके पास? फिलहाल तो अभी मैंने 2 सैलेड ही प्रिपेयर किया हुआ है, और यस वेरी गुड, बाकी बहुत अगर अच्छा, आगे बहुत ही कभी कुछ बढ़िया। सेशन इसको इसका चलेगा। भूख लगने पर ही खाना है ना, भूख लगने पर ही खाना है। अब हम आपको एक चीज और बताना चाहेंगे, जैसे इन्होंने फ्रूट के बारे में बताया, कई बार ऐसा होता है कि हमें 2 मिनट में, जैसे मैगी बना के खाते हैं ना, उस तरीके से कुकिंग तो नहीं हो सकती है, पर हमें खाना भी बढ़िया है। तो वही जो हमने सैलेड बनाया था, सैलेड के अंदर हम स्प्राउट तो मिला ही सकते हैं, थोड़े स्प्राउट मिला लेंगे तो पक्का हो जाएगा वो भी, लेकिन पहले से रखा हुआ हो। अभी अमित जी ने बताया कि चिड़वा मिलाना है, कितना चिड़वा मिलाना है हमें? ज्यादा चिड़वा नहीं मिलाना है, हमने भी यहाँ लिया हुआ है चिड़वा, चिड़वा हमें ज्यादा नहीं मिलाना है। तो ये स्पून है, इस स्पून से हमें केवल भर चम्मच, 2 चम्मच ही लेना है। जैसे ही हमने 1 चम्मच लिया है, और एक ज्यादा आपको भूख है तो 2-3 और ले सकते हैं, इनको सोक करके हमने अपने सैलेड में मिला लिया। इसके अलावा भी उन्होंने सूजी बताई, और मैंने ट्राई किया किया हुआ है, जैसे ये हाथ की बनी हुई, हमारी हाथ की गेहूं के आटे की, घर के आटे की बनी हुई, मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ। ये क्या चीज है? ये सिवई है, सिवई दिख रही होगी आपको, ये सिवई है, ये हाथ की बनी हुई सेवई है, घर की बनी हुई। बाहर वाले की बात अभी फिलहाल मैं नहीं कर रही हूँ, अगर आप बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं तो आप ट्राई करके देखेंगे कुछ भी। ये हमने सिर्फ 2 चम्मच इसको भी लिया, 2-3 चम्मच। ये हल्की रोस्टेड है, इसमें घी नहीं है, कुछ नहीं है, रोस्टेड है, क्योंकि खराब ना हो इसलिए हम पहले रोज। आप अपने हाथ से भी ले सकते हैं, इतना आपने भी ले लिया, और इसको भी हल्के से गर्म पानी में आप डिप करेंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है, क्योंकि बारीक है ना, बिल्कुल बारीक बारीक है, ये सॉफ्ट हो जाएगी। इसको भी आप सैलेड में मिला देंगे तो जितनी बड़ी ये है इसकी दुगनी हो जाती है, और खाने में लगेगा अरे वाह, हमने तो रोटी सब्जी, या बच्चे तो नूडल्स भी बोल देते हैं, वो हमने खा लिया। तो दूसरी मिलान ये भी हो गई। एक और मिलान का हमने ट्राई किया हुआ है कई बार, क्योंकि हमारे यहाँ भी कुकिंग जरा कमी होती है, तो एक तीसरा मिलान मैं सैलेड में करती हूँ कभी कभी, समटाइम्स, हमेशा नहीं। जो स्वस्थ है ये उनके लिए है, और जो अपने प्रॉपर इसको मील समझ रहे हैं उनके लिए है। ऐसा नहीं कि ये इसको खा लें उसके बाद रोटी सब्जी दाल चावल एज यूजल चले, उनको तो सिर्फ ज्यादा हो जाएगा खाना। ये क्या चीज है, ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या चीज हो सकती है? ये है चने का सत्तू, ये चने का सत्तू है पिसा हुआ, जिसको हम ऐसे भी खा लेते हैं। तो इनको अगर हमने 2 चम्मच उठा के, दो ज्यादा नहीं, 2 चम्मच उठा के इसको सैलेड में हमने मिला लिया, तो हमें क्या होगा, दाल और सब्जी, जैसे कई लोगों को दाल खाने की आदत, और पूरी पेट भी इससे भरेगा। तो ये चने का हमने सत्तू भी इसमें मिलाकर ट्राई किया, तो उससे भी बहुत अच्छा। जब आप नारियल डाल देते हो, किशमिश वगैरह थोड़ा डाल दो, तो ये जो सत्तू वगैरह हमने मिला दिया ना, क्योंकि इसमें थोड़ी मिठास की जरूरत होती है, या हम वो मिला सकते हैं, खजूर मिला सकते हैं, और छुआड़ा मिला सकते हैं, कुछ ऐसी मीठी चीजों को जब हम मिलाते हैं, शहद की बात नहीं की है, बूरे की भी बात अभी नहीं की, ऐसी चीजों को कट करके तो मुंह में मीठा मीठा जाएगा। तो आपका क्या है ना, किससे पूरा फिर वो खाना बनाने का काम, क्योंकि जो गृहिणी होती है वो खाना बना बना के पूरा जीवन अपना बिता देती है, अपनी विशेषताओं को अंदर लेकर ही चली जाती है। अगर इस तरह की विशेषता को वो दिखाने लग जाए, ठीक है, लोग शुरू में अवॉइड करेंगे, बोलेंगे अरे ये क्या बेकार है ये, लेकिन खुद वो खाना शुरू करें, खुद वो एक आदर्श बन के दिखाए, खुद हेल्दी बन के दिखाए, जब वो हेल्दी बनेगी ना, बोलेंगे लोग राज क्या है, फिर धीरे धीरे घर वालों के पास भी वो तरंगे जाएंगे और काम बनेगा। तो इस तरीके से कुछ मिलान हमने भी अपने तरीके से अमित जी के साथ साथ सोचा, और सुबह सुबह कुछ चीजों को कलेक्ट किया और आपके सामने रखा है। तो ये बहुत ही सुंदर भोजन होता है हमारा, नेचर का जो खाना होता है वो खाने से भी ज्यादा, जब आपके अंदर हेल्थ डेवलप हो जाती है, टंग क्लीन होने लग जाते हैं, तो ये सब चीजें बहुत ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि भूख नेचुरल लगती, क्रेविंग नहीं होती है ना, तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो उस समय पर अगर हम खाएं, तो ये आज ज्यादातर तो सैलेड की बात थी, फ्रूट्स की बात कम हुई है, इतने में ही हमारे आधे घंटे हो गए हैं,
लेकिन ऐसा आप लोग नहीं सोचना कि हम खाली आपको कच्चे पर ही रख देंगे, हम पका हुआ भी बहुत सुंदर सुंदर चीज आपको बना के खिला सकते हैं, जो हमारे गुरु जी ने हमें बताया है और हमने खाया है, अपने बच्चों को भी खिलाया है। तो मेरे ख्याल से टाइम तो हमारा हो गया है लगभग, है ना अमित जी, कुछ और बाकी है बताने को आपको या हो गया है टाइम? हाँ दीदी टाइम तो हुआ है। अच्छा, अभी जी आप कुछ और बताना चाहेंगे? मैं टाइम को जो करना चाहती हूँ थोड़ा सा प्लान और ऐड करना चाहूंगा कि जैसे अपना पेट तो भर लिया है ना। हाँ अमित जी बोलिए। एक लाइन एक लाइन और मैं इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ। हेलो। हाँ अमित जी हम सुन पा रहे हैं। हाँ हाँ अमित जी बोलिए। जैसे ये मैंने डेट्स और एक नारियल वाली चटनी सॉस बताया है यूट्यूब में वो है, तो वो उस सॉस को बनाकर इस फ्रूट वाले चैट में ऐड कर करके डेट्स को और नारियल को नहीं डाल सकते, कई बार उसको आप बना के भी फ्रूट में ऐड कर सकते हैं तो थोड़ा टेस्ट को और अच्छे से एनहांस करेगा। जिनके दांत नहीं को पेड़ बना के भी सकते हैं, सैलेड हो, फ्रूट सैलेड हो या फिर वेजिटेबल सैलेड। और okay, एक बात मैं ये भी कहना चाहूंगी क्वेश्चन आंसर सेशन में पल्लवी जी भी हमें एक सैलेड बताएंगी, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छे अच्छे नट्स वगैरह डाल के भी फ्रूट सैलेड, या फ्रूट सैलेड भी हो सकता है, वो जरूरी नहीं कि वो, हमने सब्जियों वाले तो बहुत बता दिए हैं, तो लोगों को पल्लवी जी भी बताएंगे क्योंकि उनके यहाँ भी रोज तरह तरह के सैलेड बनते हैं जो हम भी नहीं बनाते हैं। फिलहाल हम ये कहना चाहेंगे कि आज हम कल हमने एक नारियल के लड्डू बनाए थे, सभी लोग बनाते हैं, तो ऐसा ही नहीं है कि हम खाली अनकुक्ड ही जानते हैं, भाई कुक्ड भी मिठाइयाँ हो खाना हो बहुत कुछ जानते हैं, जो हम आपके सामने शेयर करते रहेंगे टाइम टू टाइम। ये आप देख रहे हैं ये लड्डू, ये बिल्कुल आपको ये जैसे चॉकलेट होता ना वैसा है ये, ठीक है टूट तो ये जाएंगे, पर ये थोड़े स्टिकी टाइप के हैं, वो ऐसे नहीं कि बिल्कुल भुर्रे निकल रहे हैं, स्टिकी टाइप के। इसमें क्या मिला हुआ है? केवल नारियल, कच्चे गोले का नारियल और गुड़। गुड़ भाई तभी अच्छा था तो उससे बड़ा स्टिकी सा अच्छा, और इलायची का पाउडर। बाकी आप डालना चाहें तो कुछ और भी डाल सकते हैं, हम नारियल का दूध डाल सकते हैं, नारियल तो वैसे पड़ा ही हुआ है, नट्स भी कुछ डाल सकते हैं कर करके, लेकिन हैवी क्यों बनाना है? कभी कभी खाने का मन होता है, हम बड़ों का भी बच्चों का तो होता ही है, चॉकलेट जैसी चीज खाने का मन करता है ना। अभी वर्मा जी ने मुझसे मांगा वो लड्डू कहाँ गया, मैं तो बना के भूल भी गई, तो हमने उनको दिया, तो एक साथ आप दो भी अगर खा लें तो कोई बात नहीं है। छोटी छोटी सी इसलिए मैं बनाती हूँ ना क्योंकि हमारे घर में भी तो बच्चे हैं ना, बड़े भी तो बच्चे ही होते हैं, तो छोटे छोटे ये लड्डू दो भी खा लेंगे तो चुबला चुबला किसको, मतलब ना ऐसा नहीं बक से खाया जैसे खोए की मिठाई होती है घुल गई और फटाफट हमने सैलो कर लिया, वैसा नहीं, इसको थोड़ा थोड़ा बिल्कुल चॉकलेट के मुआफिक इतना इतना भी खाएंगे ना बहुत आनंद आता, मतलब मुझे तो बहुत आता है, कभी कोई मन करता है तो मैं बनाती हूँ। तो ये ना छोटा छोटा ये मिठाई खाते जाएंगे तो स्लाइवा इसको एक्सेप्ट करता है, तो हम आपको मीठी चीजें भी कई तरीके के बनाना बताएंगे और भी कई चीजें बताएंगे, ऐसा नहीं कि खाली कच्चे सैलेड पे रख देंगे, बस आप धीरे धीरे जीवन शैली को बदलो, खान पान को बदलो, हेल्दी होते जाओ, फिर प्रकृति ने प्रचुर मात्रा में खाने पीने की सुंदर चीजें दी हैं, जो पकी भी थोड़ी हो सकती हैं, मतलब माइल्ड इस तरीके से ना पकाएं, कंटामिनेट ना करें, वैसी भी बहुत सी चीजें हैं, तो हम अपने जीवन हर दिन के जीवन में कच्ची चीजों को देते हुए इन चीजों को भी लेकर खुशी पा सकते हैं, आनंद पा सकते हैं। और आज इसी के साथ हम इस सेशन को यहीं पर हम समाप्त करते हैं।